उसके देख रही हूँ उसको। वेलकम है अनदर वीडियो ब्लॉग। तो कैसे आई होप सब अच्छे होंगे। आज का जो ब्लॉग है वो हमारा होने वाला है बाबू का। आज प्रोग्रेस रिव्यू है, जैसा कि मैं आपको बता दूं आज सैटरडे है, तो आज उन लोगों के स्कूल में मीटिंग रखी गई है और उनका स्लॉट बुकिंग होता है, लाइक आपके रोल नंबर वाइज होती है, तो उसका आज मतलब स्कूल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो मिलने वाला है, तो इस वजह से जाने वाली हूँ। और इसका ब्लॉग का जो मैं शूट करने का मेन पर्पज़ था कि मैं उसके स्कूल दिखा सकूँ, उसका कैंपस दिखा सकूँ। बहुत ही उसका स्कूल अच्छा है, बलसाड़ में सबसे नंबर वन है स्कूल, जैसा मतलब आप लोग देख लेना, मैं दिखा दूंगी वीडियो में। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको थैंक यू सो मच कि आप लोग वीडियो को देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और जो भी इस चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना गाइस। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज जो है मैं रेडी अभी तो हो चुकी हूँ, थोड़ा नहा ली, फ्रेश हो ली हूँ और नहा के अभी जस्ट मैं नाश्ता करके और सोची कि थोड़ा सा ये वीडियो शूट कर लूँ, ताकि वहाँ पे क्या शूट नहीं कर पाऊँगी इसके लिए। तो अभी फटाफट रेडी तो हो रखी हूँ, बस कपड़े चेंज कर लूँ लाइक ऐसा, तो कपड़े चेंज करके और फटाफट उसके स्कूल निकलते हैं। और बाबू भी अभी रेडी हो रही है, तो चलते हैं गाइज वहाँ पे देखते हैं। और उसका स्कूल का कैंपस आपको अच्छे से एक्सप्लोर करवाती हूँ, वहाँ पे उसका स्कूल दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा स्कूल है। तो चलते हैं, तो चलते हैं गाइज वहाँ पे निकलते हैं और फिर देखते रहना तब तक के लिए ब्लॉग। गाइज अभी रेडी हो गए और निकलते हैं उसके स्कूल। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि बाबू जो है यहाँ पे सनग्लास लगा रखी है ब्लैक कलर का। तो अभी चलते हैं उसके स्कूल, पहुँचते हैं, देन उसके बाद वहाँ दिखाते हैं उसका स्कूल टूर। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं स्कूटी से और ये ज़्यादा दूर नहीं था हमारे घर से, तो यहाँ से 3 किलोमीटर ही था। तो ये आपको जो दिख रहा है ये हमारा एग्जिट गेट है स्कूल का, और आगे से जो है वो आपको एंट्री गेट है। तो वहाँ पे भी अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और ये स्कूल सरस्वती इंटरनेशनल, और ये जो आपको दिख रहा है ये ग्राउंड है, यहाँ पे प्रेयर असेंबली होता है लोगों का। तो ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ये चीज़ बहुत अच्छा है, स्कूल से नज़दीक था और बहुत अच्छा यहाँ का एजुकेशन है, फैसिलिटी हर एक चीज़ बहुत अच्छा है। तो यहाँ से अभी हम लोग एंट्री का वैन गेट में और आपको दिखा दूँ ये जो पूरा आपको गार्डन है, बच्चे आते हैं उनका ये पार्किंग के लिए है। और यहाँ पे जो जूनियर एकेडमी का जो बच्चे हैं ये इधर वाले बिल्डिंग में पढ़ते हैं, ये जो आपको सामने दिख रही है अभी गाइस ये सामने, हाँ इसमें पढ़ते हैं, इसमें पहले जब तो यहाँ पे आप लोग गाइस देख भी सकते हैं यहाँ पे उनका स्कूल बस वैन लगा, और ये जो सामने वो कैंटीन है, और यहीं पे पास में ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है ये नर्सरी से सेकेंड एकेडमी के लिए है। और ये जो अभी हम लोग जा रहे हैं एंट्री कर रहे हैं ये मेरी बेटी का स्कूल है, ये क्लासरूम है। तो अभी यहाँ से हम लोग ये जो आगे दिख रहा है ये बाहर का ये पार्किंग एरिया है, तो यहाँ से अभी एंट्री करेंगे उसके स्कूल के लिए। और इनका स्कूल यूनिफॉर्म में ये है, ये पहले जो सीनियर बच्चे थे ना उनके लिए है, और जो जूनियर एकेडमी के बच्चे उनके येल्लो हैं। तो ये थर्ड से जो है आपको चेंज हो जाएगा यहाँ पे इनका यूनिफॉर्म। तो अभी यहाँ से उसका जो है एंट्री कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ से अभी ये जो आप देख रहे हैं इसका ये क्लासरूम है गाइज, और बहुत ही हाइजीनिक यहाँ पे था हर एक चीज़। तो यहाँ पे इसका जो रिपोर्ट कार्ड जैसे घुसे उसके मैम ने बताया, दिखाया सब पे अलग अलग मार्क्स के थे, कोई 25 नंबर का था, कोई 40 नंबर का था, कोई 30 मार्क्स था, ऐसे ऐसे करके थे। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये इसका, यहाँ पे आपको जो तो यहाँ पे इनके 4 सब्जेक्ट के पेपर थे, यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, कंप्यूटर, और इनका एक जो था वो था हिंदी, और एक कंपलसरी गुजराती था। तो यहाँ पे उसके मार्क्स सब अच्छे थे, एक एक करके मैंने सारे जो मार्क्स है मैंने चेक किया, लगभग सब में मतलब एवरेज ही था, सही था। तो यहाँ पे उनका रिपोर्ट कार्ड लिया और चेक मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे देखा, देन उसके बाद उनके जो बिल्डिंग में ही उनके अंदर में ही ऐसा ग्राउंड था बच्चों को खेलने के लिए, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे झूले थे बच्चों के हिसाब से ही था। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मस्ती किए हम लोगों ने, और वो बोली कि मम्मा थोड़ा सा क्लासरूम में अभी टाइम है तो इस वजह से खेलने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग उसके खेलने के लिए भी थोड़ा सा अलाउ कर दिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज हर एक तरह की मतलब सुविधा मिलती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ का जो स्कूल है हमारा मतलब फ्लैट से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो हमारे लिए ये बेस्ट है, कोई इतना मतलब ये नहीं है कि दूर है तो हाँ जाने आने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी देर टाइम मतलब एक्सपेंड किया, बैठे थोड़ा देर, मैं फ़ोन चला रही थी उसका ब्लॉग शूट कर रही थी। और यहाँ पे बहुत, तो अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं और अंदर जैसे ही निकल रहे थे तो गेट पे यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी थी, सीनियर सेकेंडरी के जो बच्चे थे यहाँ पे उन्होंने एक्टिविटी किया था, ऐसा उन लोग का
आर्यभट्ट कुछ कुछ करके ऐसा थीम रखा गया था लाइक ऐसा। और ये अलग अलग मतलब कलर वाइज होते हैं डिफरेंस, रेड अलग होते हैं, आर्यभट्ट में रेड था और येलो ऐसा कुछ था। यहाँ पे थीम रखा गया था लाइक एक्टिविटी। तो यहाँ पे गाइज बाबू जो है यहाँ पे चली गई वो अपने क्लासरूम और उसका क्लास था। देन उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा देर वेट की और यहाँ से स्कूल वो छूटी और उसको अभी वैन से घर मतलब आज नहीं ले जाने वाली थी क्योंकि मैं स्कूटी से ही ले जाने वाली थी। तो यहाँ पे ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। और गाइज ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और तब तक के लिए आप लोग सब अपना अपना ख्याल रखना। और यहाँ से हम लोग अभी एग्जिट कर रहे हैं, देख सकते हो ये फ्रंट का आगे का लिया हुआ है, तो चलते हैं।